नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट का दावा है कि अब इस पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, आपको याद होगा कि दो महिलाओं की वीडियो वायरल हुए थे जिस पर उनको नग्न कर परेड कराई गई, उनको नंगा दौड़ाया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ असली हरकतें की गई, उनके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाया गया सरेआम, और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। वो वीडियो वायरल होने के बाद से ही सनसनी तेज हो गई थी और भारत की सियासत गरमा गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता मणिपुर जा रहे हैं और मणिपुर का दौरा करके आ रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता, जो कि गठबंधन की एक सरकार बन चुकी है, उनके 21 सांसद मणिपुर गए थे और जमीनी हकीकत की जांच की थी और वापस आए थे, और उन्होंने कहा था कि मणिपुर के हाल बहुत बुरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बोलना होगा। इसके चलते विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव भी जारी किया था और ऐसी बात सामने आई थी कि जल्द उस पर कार्यवाही होगी, जल्द उस पर चर्चा की जाएगी, और जो है खबर निकल कर ये आई थी कि 4 अगस्त को उस पर सुनवाई की जा सकती है और चर्चा की जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक बयान आया है। वो क्या है बयान, सुनिएगा दर्शकों आप, कि मणिपुर की महिलाओं के वीडियो मामले में अलग राज्य में ट्रांसफर करने के केंद्र के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है कि इसको अलग राज्य में ट्रांसफर करना है कि इसको या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर चर्चा करेगा आज बैठकर। और आपको बता दें कि राज्य सरकार के खिलाफ याचिका लगातार कोर्ट में मामले में स्वतः संज्ञान लेने को कहा था। जब ये वीडियो सामने आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही इस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर अब जो है बात करेंगे और खुद संज्ञान लेंगे और देखेंगे कि आखिर मणिपुर का मामला क्या है। केंद्र भले ही चुप रहे, लेकिन कोर्ट करेगी, क्योंकि महिलाओं के साथ इस तरह के व्यवहार भारत में अच्छे नहीं और भारत को शर्मसार करने वाले हैं, जहां पर महिलाओं को पूजा जाता है और कहा जाता है महिला सर्वत्र पूजा, महिलाओं को पहले पूजा जाता और महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उस देश में महिलाओं के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप। इसको लेकर उन्होंने कहा था कि वो खुद इस पर संज्ञान लेंगे और चर्चा करेंगे। वही महिलाओं की याचिका के बाद केंद्र ने कोर्ट के मामले में मणिपुर को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की अपील कर दी है। अब इस ये मामला दूसरे राज्य में ट्रांसफर करेगा, ऐसी अपील की गई है। अब इस पर सुनवाई आज होनी है कि आखिर इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, क्या सचमुच ये फैसला दूसरे राज्य पर जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा और दूसरा राज्य इस पर सुनवाई करेगा। दर्शकों, मणिपुर की हिंसा से आप भलीभांति परिचित हैं और मणिपुर की हिंसा पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े सवाल खड़े करता है। विपक्ष रोज इस पर बात करता है और चर्चा करना चाहता है कि मोदी जी संसद में आइए, बात कीजिए। संसद में कई बार बैठक हुई और विपक्ष ने बड़ा मोर्चा खोला, विपक्ष ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद संसद को स्थगित करना पड़ा और जो है स्पीकर ओम बिरला ने इसको स्थगित कर दिया और 31 जुलाई पर इस पर चर्चा होगी। और अब खबर ये भी आई है कि 4 अगस्त को इस पर चर्चा हो ही जाएगी, मतलब 4 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद आएंगे और संसद में आकर मणिपुर जैसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप जो है दर्शकों अपनी राय इस पर जरूर बताइए क्या कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोलना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और इस पर क्या फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेते हुए मणिपुर की हिंसा पर बात करेगा। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।